कर्मों का फल। एक बार की कथा है, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पतलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है और डंडे की मार खाकर वह कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से चला जाता है। यह दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा ने उन हंसी के कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान का मालिक उसी का पुत्र है। देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। कर्म फल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसके लिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। जय सियाराम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।